Thank you, sir. Thank you so much for everything. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sir. Thank you very much. Guys, as Army Day, and we are here. Rescue ke liye aate tourist rescue airlift ho chuki hai. Thanks to Indian Army, thanks to Ladakh Scouts, thank you everyone for taking care of us. Day 7, subah 7 baj rahe hain. Hum hain Nirak gaon mein, main aur meri team. Hum log hain 7 log, do cook aur ek guide aur 4 hamare log group ke. Baaki sab log niche hain. Rescue kab hoga kuch nahi pata. ये निरग गांव है जहाँ पे बस समर्स में कनेक्टिविटी रहती है बाय रोड ले से जिसमें 7-8 घंटे लगते हैं और विंटर्स में कोई कनेक्टिविटी नहीं है. विंटर्स में बस चादर ट्रैक में ये लोग चादर पे डिपेंडेंट रहते हैं. जब नदी के ऊपर चादर जम जाती है तब ये लोग मूव करते हैं. कार्ड हमें मिला था, इसमें लिखा हुआ है मेडिकल एंड रेस्क्यू कार्ड एंड यूनिक आईडी नंबर सबको मिला था, ठीक है. और इसमें ये नंबर मिला था इमरजेंसी नंबर जिस पर अभी कॉल करने वाले हैं. इससे पहले हमने किया था कॉल, हालांकि रेस्क्यू वाले 2 दिन से हमारे साथ ही बैठे हैं पर कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं. सो गाइस आपको आवाज़ आ रही होगी, वी ट्राइंग टू कॉल देम, लेट्स सी इफ समवन आंसर्स द कॉल. सुबह सुबह उठाएंगे भी या निकालेंगे. ये लो, अब अक्षय को कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा पैसों नहीं. इसी नंबर पे भी डायल किया भाई को फोन कर रहा हूँ और नंबर इज बिजी. हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ कि हम ना अभी हेलीपैड में जा रहे हैं उसको क्लीन करने के लिए और अभी जो इन्होंने हमको कार्ड दिया था ना हम लोगों ने इंश्योरेंस के लिए पे किया था 5000 ईच रेस्क्यू और इमरजेंसी के लिए. तो दे आर नॉट आंसरिंग द कॉल और बल्कि यहाँ पे जो लोकल ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले नहीं है 2 लोग हैं वो गाँव वालों को मना कर रहे हैं कि इनको फोन मत यूज करने दो कोई भी. ये नंबर बता दो क्योंकि हम कॉल नहीं कर पाएंगे. अच्छा भैया एक चीज, अच्छा भैया एक चीज, अच्छा एक चीज और ये जो बंदा है ना एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर जिसने हमसे पैसे लिए हैं इसका नंबर हम लोगों ने 3-4 बार ट्राई कर लिया कि भैया तुमने जो कार्ड बना के दिया हमें इमरजेंसी के लिए तुम ना फोन उठा रहे हो ना तुम हेल्प कर रहे हो किसी की. तो मैं आपको नंबर दूं एक बार इनको फोन करके वो करोगे आप सुनाओगे इनको. मैंने सुनाने की कोशिश की इनको फोन किया लेकिन उठाते नहीं है फोन. 730 380 0101 मतलब ये चाहते नहीं ना कि मीडिया को पता चले यहाँ पे ऐसा हो गया करके तभी ये फोन भी नहीं उठा रहे ना फोन करने दे रहे हैं किसी को. January 14, 2020 हेलीपैड साफ करने के लिए पहुंच गए. यहाँ पे हेलीपैड है हेलीपैड की सफाई. माउंटेन में एवलांच होते रह रहे हैं और 2 मिनट में कहीं ना कहीं बर्फ गिर रही है क्योंकि अब बर्फ गिरनी बंद हो चुकी है. स्नोफॉल बिल्कुल बंद है, हवा चलनी शुरू हो गई है. भैया कोई वो नहीं है बेलचा वेलचा कुछ साफ करने के ला रहे? चलो थोड़ा आ जाएगा तो हम भी मदद कर दें. मेरी टीम यहाँ पे हेलीपैड साफ करने के लिए आए हैं. रेस्क्यू के 3-4 लोग आए हैं. बस कोशिश से चल रही है. ये देखो ये हेलीपैड है. अभी इतने लोग आ गए, सुबह तक कोई भी नहीं था यहाँ पे. अब जाके टूरिस्टों को लेके आए हैं. कल फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे ये सब लोग. फाइनली इवैक्यूएशन का टाइम आ चुका है, रेस्क्यू का टाइम आ चुका है. हेलीकॉप्टर्स आए थे, हेलीकॉप्टर्स राउंड लेके चले गए क्योंकि हेलीपैड क्लियर नहीं था. लेकिन थैंक्स टू ताशी भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इतना मतलब रात को रहने के लिए छत दी, खाने के लिए पूछा, खाने के लिए इतने मदद करी हमारी. बहुत नहीं सर
सबसे पहले तो जो हमारे ऑल इंडिया से जो भी मतलब टैकर्स लोग आया है उनको हम मेरे इस धरती पर, और ये भारत का माता का धरती है, इस धरती पर जो है आपका जीने का हम सभी का हक है, इसलिए हम सबको जो भी आते हैं तो उनको वेलकम करता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जितना भी टेकर्स है परेशान मत हो जाए, यहाँ के लोग जो है वैसे भी मेरे हिसाब से आज तक कोई मतलब ईमानदारी लोग है, तो इसके हिसाब से आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। हम आपके लिए नहीं, हर हिंदुस्तानी जो भी आते हैं या ऑल वर्ल्ड के जो भी आदमी आते हैं उनके लिए हर समय हर दिन हम उनको हेल्प करते रहते हैं। देखिए किस तरीके से भैया ने बिना पूछे मतलब हमारी इतनी मदद करी, नीचे से हमारे जो रेस्क्यू वाले लोग थे हमको कॉल नहीं करने दे रहे थे, हम ऊपर गांव में 2.5 घंटे का ट्रैक करके आए, हमने यहाँ पे कॉल किया सैटेलाइट फ़ोन से, अपने घर में इन्फॉर्म किया, क्योंकि आज 7वां दिन है विदाउट नेटवर्क हम लोग हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। और ये गाँव भैया थैंक्स टू ताशी भैया, हमें खाने के लिए हमारा राशन खत्म हो गया था, ये लड़कों की तबीयत ख़राब थी, बार बार हमारी मदद करके रात भर हमको 10 बार पूछा है, जहाँ पे चाय पानी सब कुछ हो गया, ऐसे कौन बोलता है इंसानियत आजकल की जिंदगी में नहीं। थैंक यू भैया, थैंक यू। बाकी एक बार आप यहाँ पर मंदिर है, वो एक जय भोलेनाथ, ये ताशी भैया का मंदिर है। ये जूनिपर है? हाँ, ये जूनिपर। जूनिपर ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, तभी इसे तोड़ना मना किया है? ये भगवान को चढ़ाया जाता है। अभी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले जो रेस्क्यू होगा वो होगा लेडीज़ और बच्चों का, बच्चे तो है नहीं लेडीज़ हैं। डे 8 सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज हमारा रेस्क्यू होने वाला है। 23 टूरिस्ट को इवैक्यूएट कर लिया गया था, कल एयरलिफ्ट कर लिया गया था, और आज 21 होने वाले, तो फर्स्ट शॉटी आज 6 शॉटी होंगी, तो 6 शॉटी में से पहली शॉटी अभी 8:15 में वहाँ से चलेगी, तो 8:30 यहाँ पे पहुँचेगी। सो गाइस हेलीपैड तो कल हमने साफ कर लिया था, अभी ये ताशी भाई के घर पे हूँ मैं और आपको व्यू दिखाता हूँ, आज मौसम बहुत साफ है। वो पर हेलीपैड है, रेस्क्यू का दिन करा देते हुए सेलेक्ट हो गए, अभी 6 लोग और गए, इसके बाद हमारा नंबर, इसके बाद नहीं तो उसके बाद हमारा नंबर। डेट 15th of January 2020, आर्मी डे, हैप्पी आर्मी डे टू ऑल। वंदे मातरम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच गाइज। आज आर्मी डे है और वी आर हियर रेस्क्यू के लिए। आते टूरिस्ट रेस्क्यू एयरलिफ्ट हो चुके हैं और अभी 6-7 लोग हो चुके हैं और अब हमारी बारी। बहुत ऐतिहासिक दिन है, 15 जनवरी 2020 आर्मी डे, हैप्पी आर्मी डे टू ऑल। और ये है लद्दाख स्कॉट्स के जवान, लद्दाख स्कॉट्स के लोग जो रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे आए और ये लिफ्ट कराए टूरिस्ट को। अब हमारी बारी है, अब हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। यार दिन आज तक के सबसे अच्छे दिन, थैंक्स टू इंडियन आर्मी, थैंक्स टू लद्दाख स्कॉट्स, थैंक यू एवरी वन फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस। मेडिकल फैसिलिटीज, क्लोथिंग, सब कुछ, खाने पीने का सारा राशन का आइटम लेके लद्दाख स्कॉट्स यहाँ पे आए।